Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies. हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है एनकोर कंपनी फौजी गेम से। और यहां तक कि आप जानते हैं कि पबजी बैन हो चुका है और जो भी चीज़ आपको फौजी गेम एनकोर गेम्स के बारे में जानना है, डेवलपर के बारे में, सब बताऊँगा। ये इंडिया की पब्लिशर है और इसने डेवलप किया है मल्टी नेशनल शूटिंग गेम कॉल, जिसको हम जानते हैं पब्लिशर में, और ये बेंगलोर में है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा है कि इंडिया गेम डेवलपिंग कंपनी जो इनको गेम्स है उसके को फाउंडर है विशाल गोंडल, जो हैं CEO ऑफ GOQII के ऐसा गेम फौजी के, और वो हैं विशाल गोंडल, ये एडवाइज़र इन्वेस्टर भी है फ्रेंड्स। तो आपको ये भी बहुत बढ़िया लगेगा। और अभी हाँ, फौजी आने ही वाला है तो पबजी की जगह ये ले लेगा और ये रिलीज़ होगा अक्टूबर के एंड तक, ये मिल ही जाएगा। यहाँ तक कि ये भी है कि जो इसके अक्षय कुमार है बॉलीवुड एक्टर, उसके मेंटरशिप भी करके रखे हैं इन्होंने। और जो यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था ट्विटर में कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आत्मनिर्भर मूवमेंट में। और यहाँ तक कि फौजी का पूरा नाम मैं बताना चाहूँगा कि PLF एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी हैं। और ये भी चीज़ है, और हमारे फौजी गेम में जो भी कमाई होगी इसका 20% भारत की वीर संस्था में जाएगा। सो फ्रेंड्स, कि हमारे जो अच्छे कुमार है वो बहुत खुश है मेंटरशिप ले के फौजी का। वैसे भी तो बहुत अच्छी चीज़ गेम है और पता नहीं किसे ग्राफ कितने अच्छे होंगे। और नरेंद्र मोदी जी भी हमारे खुश लगते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स, हमें ये तो लगता है कि हमारे ये अच्छे कुमार जो मेंटरशिप लिए हैं फौजी गेम के, वो बहुत अच्छा करेंगे। और इसका ये भी देखा जाएगा कि हमारा जो गेम प्ले होगा फौजी का, वो शायद उसके ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया होंगे। मगर कुछ भी कहो, पबजी का जो गेम है उसकी बात अलग है, क्योंकि पबजी का जो लैग होता है, जो जिसके वजह से हम बहुत मर भी चुके हैं, और ये चीज़ भी बहुत बढ़िया लगती है जब बाइक के साथ चीज़ें होती हैं और हम बाद में पता चलता है कि यार ये तो एकदम से फूट गया आता है, तो दिमाग खड़ा हो जाता है, यार क्या नाटक है ये। और फ्रेंड्स, ये भी लगता है कि जब भी कोई कार हम चला रहे हैं एकदम से घूम घूम के निकल जाए, साला वो एक बाइक ने हमको फेर दिया, तो बहुत बेकार लगता है, बाइक कहीं से भी आके मुझे मार रही है। और ये भी चीज़ देखने को मिलती है यार कि जब आप लोग एंडिंग में देखते हैं यार चलो कोई मार रहा बाहर, तो आप लोग एम करते रहते हैं और बोलते हैं भाई मार मार उसे, भाई रिवाइव कर दे, भाई रिवाइव कर दे, भाई मार रहा है, सामने आ रहा है। यार ये सब चीज़ें तो बहुत बढ़िया लगती है पबजी में। पता नहीं, अब देखते हैं फौजी के साथ क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो मैं अभी भी गेम प्ले कर रहा हूँ पबजी का, क्योंकि फ्रेंड्स बैन होने के बावजूद भी जिसके पास अभी भी पबजी गेम है वो स्टिल खेल पा रहे हैं। मेरे ख्याल से फौजी के आने तक शायद ये बैन हो जाए परमानेंटली, मगर फिलहाल अभी भी फिलहाल मैं मज़े ले रहा हूँ। और फौजी आने के बाद देखते हैं ग्राफ कितने अच्छे होते हैं, क्या मैं उसमें वॉइस अच्छी कर पाऊँगा, क्या मैं उसमें मैसेज कर पाऊँगा, क्या इसमें अच्छे अच्छे इमोट मिलेंगे, तो वो तो फ्रेंड्स फौजी गेम आने के बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल जब तक आए नहीं तब मैं अच्छे से इसके स्टिल अभी मज़े कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड्स पता नहीं फौजी आने के बाद गेम प्ले चलेगा कि नहीं चलेगा, सर्वर चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए अभी तो फिलहाल मैं मज़े सॉलिड कर रहा हूँ। और फ्रेंड जिनके पास आई भी है वो भी अभी भी कर, और जितना भी चिकन डिनर खाना है पबजी में तुरंत अभी के अभी कर लो। और फ्रेंड्स, मैंने फौजी के बारे में आपको सब चीज़ बता दी है इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।